हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स. अप टू नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर लेसन नंबर 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कीवर्ड्स ऑफ लेसन नंबर 3 इन विच द फर्स्ट वन इज कार्डलिंग. द पासिंग द वूल फाइबर थ्रू अ सीरीज ऑफ मेटल टीथ टू स्ट्रेटन देम इज कॉल्ड कार्डलिंग, CARDING. देन नेक्स्ट वन इज कोकून, COCOON. द स्टेज इन द सिल्क वर्म्स लाइफ इन विच लार्वा स्पिन्स एंड सिल्क थ्रेड अराउंड इट सेल्फ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोकून. देन ग्रेडिंग, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द वूल अकॉर्डिंग टू द लेंथ कलर टेक्सचर एंड फाइबर इज कॉल्ड ग्रेडिंग. देन रीलिंग, केयरफुल एंड डेडिकेट अनविंडिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग, RELING. देन स्कोरिंग, स्कोरिंग इज ऑल्सो द प्रोसेस इन विच वी आर गेटिंग दिस वूल. इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ, इट इज द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल. देन सेरीकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. देन शेयरिंग, रिमूविंग वूल फ्रॉम एन एनिमल बाई सीजर हैंड ब्लेड और इलेक्ट्रिक मशीन इज कॉल्ड शेयरिंग. देन सॉर्टिंग, द प्रोसेस बाई विच द डैमेज और इन्फीरियर वूल इज रिमूव्ड इज कॉल्ड सॉर्टिंग. देन स्पिनिंग, स्पिनिंग इज द जॉइनिंग थिन फाइबर्स टूगेदर बाई मशीन टू फॉर्म वन स्ट्रैंड ऑफ यार्न. सो ऑल दीज आर द कीवर्ड्स विच आर इन्वॉल्व इन योर लेसन. नाउ टूडे वी आर गोइंग टू डू योर असाइनमेंट जोन. द फर्स्ट पार्ट इज ए पार्ट, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. द वूल फाइबर इज स्ट्रेटन्ड बाई द मैथड कॉल्ड, द मैथड इज कॉल्ड कार्डलिंग, CARDING. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरा गॉट, CASHMERE, कश्मीरा गॉट. देन सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. देन द फिलामेंट आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून बाई द प्रोसेस ऑफ, दैट इज कॉल्ड रीलिंग, RELING. एंड रीलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फिलिएचर, FILATURE, फिलिएचर. देन योर फिफ्थ पार्ट इज हेल्थ रिस्क और हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स. आई रिपीट वंस अगेन, द आंसर इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, OCCUPATIONAL, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, HAZARDS. नाउ ट्रू फॉल्स, वूल व्हेन बर्न स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ कोल, दैट इज कॉल्ड, whether it is true or false, it is false. Then Kashmira got provide us merino wool, no, it will provide us wool, not merino wool. Then wool is made from cellulose, no, it is also false. Wool is not made from cellulose, it is got from Kashmira goat, angora rabbit and all yak, all this animal gives wool. Silk is non-lustrous, it is false. Silk is a lustrous fiber. Then air trap in wool act as an insulator, yes, it is true that the air trapped in wool act as an insulator and keep us warm. Then answer in one word,
एनिमल विच प्रोवाइड एंगोरा वूल. देर आर सो मेनी एनिमल्स यू कैन राइट. द फर्स्ट वन इज हेयर, ओनली वन वर्ड यू हैव टू गिव आंसर. सो यू कैन राइट एंगोरा रैबिट. देर आर सो मेनी अदर्स ऑल्सो. देन मटीरियल यूज टू मेक टेक्सटाइल दैट इज कॉल्ड फाइबर. द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द वूल इट इज कॉल्ड ग्रेडिंग. GARADING. Then the stage in which silkworm life cycle in which the larva spins and silk thread around it is called cocoon. COCOON. Then the outer core hair of sheep is called fleece. 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 तो आई थिंक अप टू ए बी एंड सी पार्ट द थिंग्स आर क्लियर टू यू. नाउ कम टू आंसर द फॉलोइंग. नेम एनी टू एनिमल फाइबर. सो टू एनिमल फाइबर्स यू कैन राइट वूल एंड सिल्क. देन लिस्ट एट लीस्ट फोर एनिमल्स अदर देन शिप. दोस हु आर प्रोवाइडिंग अस वूल दे आर एंगोरा रैबिट, कश्मीरा गॉट, याक एंड कैमल. देन write the factors that determine the quality of wool. There are 3-4 factors which determine, like type of silkworm, quality of mulberry leaves on which they are feeding, then selection of cocoon, weaving and finishing of the silk thread. So all these are the characteristics or factors on which quality of wool depend. Then question number 4. What is sericulture? Raising silkworm to produce raw silk is known as sericulture. Okay. And then write any two occupational hazard. Then any two occupational hazard you can write. That is sorted disease or anthrax. And another one is allergic reaction or other occupational hazard. Which a person can suffer when he is working in a silk or wool industry. So E part and F part I will send you PDF. So up to A, B, C, D and all the keywords are clear to you. So if you have any doubt you may ask me in live class. So till then, thank you. Have a nice day.